सो हेलो स्टूडेंट्स, आप पहुंच गए हैं जी लेक्चर नंबर 5 ते सर्कल दे। मेरे ख्याल मैक्सिमम होएगा, शायद ही हुण कोई टाइप बची होवे कि जिहड़ी डिस्कस करन तो रह गई। तो इस तो पहला तुसी 4 वाला वीडियो देखिया होना, उहदे एक पेज ना एक मिसटेक होगी, वो माड़ा देख लियो। जो आप लास्ट क्वेश्चन किया इस भी सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सप्लेनेशन च, पर ना स्मॉलेस वैल्यू सी जीरो ते आई सी, तो बाय चांस मैं सी वन बाय टू लिख दिता, तो जिहड़ा हैगा सी वन बाय टू नहीं है, सी जीरो है। बाकी नहीं कोई दिक्कत हैगी, सी मिनिमम चाहिदा सीगा तो मिनिमम जीरो ते ही आएगी। सो बाकी चीज़ें ठीक ने, वैल्यूज फिल करोगे सी दी तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि जे बंदा ध्यान ना देख रहा हो, वैल्यू तो आपां सी दी निकाली है, सी दी वैल्यू निकल भी गई तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है, तो सिर्फ दिक्कत कित्थे हैगी है तुहाडे कोल कि लिखिया वन बाय टू गया सीगा, वो एक्चुअली सी भरन तो बाद वाली वैल्यू लिखी गई सी, सो गड़बड़ हो गई सी। बाकी सारा ठीक है, आंसर भी ठीक है। सो एनी करेक्शन कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण आ गए आप लैक्चर नंबर 5 ते, तो जो तो 5 ते आके तुहाडे कोल तो जिहड़ा क्वेश्चन तो स्क्रीन ते नज़र आ रहा हैगा, ये ऑलरेडी तुसी डन किया होया पर इस फॉर्म च नहीं डन किया होया। तो उन्हों की कह रहा, कहिंदा स्ट्रेट लाइन कट्स द कोआर्डीनेट एक्सिस एट ए एंड बी ते इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू। हुण जे मेरी गल तुसी ध्यान नाल सुनो, स्ट्रेट लाइन आ है, इस लाइन में तुसी की कहंदे सी लाइन इन इंटरसैप्ट फॉर्म, आ लाइन इन इंटरसैप्ट फॉर्म, आ थोड़ा ए हो गया, आ थोड़ा बी हो गया, आ थोड़ा ओरिजिन हो गया जीरो जीरो, इनू ए कहता इनू बी कह दिता, तो इन चो पास करता हुआ सर्कल कढ़ना है। तो जे इन चो पास करता हुआ सर्कल कढ़ना है, असी ऑलरेडी करता लिया ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट केड़े आ गए, जीरो जीरो आ गया, ए जीरो आ गया, तो जीरो बी आ गया। सो ये पॉइंट आ गए जी, तो मेरे ख्याल है कि इन पॉइंटा का कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं गी थोड़े को। सो जिहड़े हैगे ने तां जिहदी इक्वेशन बनी सीगी तुसी तुहानू याद होवे, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो जिहड़ा हैगा थोड़े को एक्स स्केयर वाई स्केयर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो वैल्यूज पुट करना, तो अगर तुसी सीरियल वाइज लैक्चर देख रहे हो तो तुहाडा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपां अनदर फॉर्म दे विच लैक्चर नंबर 2 दे विच डिस्कस किया। सो मेरा ख्याल है जी कर लोगे आराम नाल तुहाडे को। सो अगे चलिए जी, आप फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल इनस्क्राइबड इन ए सर्कल। सो पहला सर्कल बना लीजिए, फिर ट्राइंगल बनाने से दिक्कत नहीं आती, पहला ट्राइंगल बनाओगे सर्कल डेढ़ मेढ़ जी हो जानी है। सो इस तरह देख लो जी, थोड़े कोल जिहड़ा हैगा कोई दिक्कत नहीं भी ट्राइंगल ए चाहिए है। सो कोई दिक्कत नहीं, तुसी इत्थों एक परपेंडिकुलर ड्रा करता ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी भी तरह बन सकती है, कहिंदा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इनस्क्राइबड इन ए सर्कल, डेफिनेटली सर्कल का कोई सेंटर होगा, तुसी इहनू ज्वाइन कर दो इहदे नाल, तुसी इहनू ज्वाइन कर दो इहदे नाल। हुण तुहानू इह पता है भी इक्विलेटरल ट्राइंगल चाह 60 डिग्री हुंदी है, पक्की गल है, आपां नूं सारिआं नूं पता हैगा 60 डिग्री हुंदी है। तो जे तुहानू इह पता है तां श्योरली श्योरली आ 120 डिग्री होगा, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी हुंदी है सेंटर ते डबल बन ठीक है, तो यह मतलब 60 आर होगा, 60 आर होगा, 120 डिग्री है ठीक है जी। तो यह भी हो गया थोड़े को, आप बेसिकली निकालना की हैगा, आप देखो जिहड़ा सर्कल हैगा थोड़े को, श्योरली श्योर है कि जिहड़ा नमेरिकल वैल्यू तो नहीं आती ट्राइंगल की, क्योंकि नमेरिकल वैल्यू कोई क्वेश्चन ही नहीं हैगी, जे क्वेश्चन से नमेरिकल वैल्यू नहीं की तो यह मतलब नमेरिकल वैल्यू की पॉसिबिलिटी तो नहीं आ सकती, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ ए एफ जी आप क्वेश्चन तो कढ़ सकते हैं ना क्वेश्चन। सो जिहड़ा हैगा तुसी हुण जे ध्यान नाल देखो, मैं सर्कल लै लिया, सर्कल का सेंटर लभ सकदा मैं, हाँ उरी आ जाना माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है जी, सर्कल का सेंटर आ गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ। हाँ जी, तुसी ना एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिहड़ा हुंदा ना वो अंडर रूट 3/4, क्योंकि ये तो आपां नूं ये पता लग जांदा कि मेरा फोकस किस पॉइंट ते है, जदों मैनूं ये पता लग गया मेरा फोकस किस पॉइंट ते है फिर कोई दिक्कत वाली गल नहीं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अंडर रूट 3/4 ते साइड का स्केयर हुंदा हैगा, इहदा मतलब अल्टीमेटली जिहड़ा मेरा रोल हैगा है वो एक साइड निकाल दो सारी स्टोरी खत्म, ते जे साइड निकालना तां ए बी ते सी
तो ए वाली चीज़ जी निकाली है थोड़े पास, तो ए अपन पता इक्विलेटरल ट्रायंगल इन बाइसेक्ट करती होंगी है, ये ज्योमेट्री दी प्रॉपर्टियां छोटे होंदे दी पढ़िया हुई ने, मतलब इतने किसी को डाउट हो तो फिर अपनी पिछली क्लास देख सकता थोड़े को, मतलब जे मैं इतने डी रखदा तो क्या मैं किसी तरीके नाल ए डी निकाल सकता वा? हाँ जी, रेडियस ऑफ द सर्कल पता है अपन की है, एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है और आ चीज़ रेडियस है, आ चीज़ रेडियस है, इदा ही बन देना चक्कर। तो जे मैं साइन थीटा लगावा, साइन 60 डिग्री, साइन के सामने की होया परपेंडिकुलर, थीटे के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, सो परपेंडिकुलर आ गया बी डी, ट्रिग्नोमैट्री सोचनी पैगी, पैगी तो पैगी, सामने आ गया बी डी, तो जो बी डी आ गया उस तो बाद हाइपोटेन्यूज लेना, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होंगे आ रहा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आर आ गया, ठीक है जी। तो आर की वैल्यू पता है, यदा मतलब मैं बी डी लभ जू, बी डी होगी आर साइन सो अंडर रूट 3 वटा 2, और आर भी मैं पता है एफ स्केयर जी स्केयर माइनस सी इंटू अंडर रूट 3 वटा 2, सो बी डी निकल गई जी, क्योंकि वो बाइसेक्टर है इस करके बी सी की होगी 2 टाइम्स बी डी हो जूगी, 2 टाइम्स जो आप करा एफ स्केयर जी स्केयर माइनस सी अंडर रूट 3 बाय 2, सो कैंसल कैंसल, सो एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी स्केयर इंटू अंडर रूट। तो ये वाली चीज़ जड़ी है कि है थोड़े को, तो बी सी जे एफ स्केयर जी स्केयर माइनस सी स्केयर बी सी आ गया, तो जो बंदा कहे बी सी आ गया हूँ रह भी की किया थोड़े को, ठीक है जी। सो जरा फिर एरिए वैल्यू है, एरिए वैल्यू इतने भर दो, अंडर रूट 3 बाय 4 साइड का स्केयर, साइड का स्केयर करूँगी आ 3 आ जू, एफ स्केयर जी स्केयर माइनस सी आ जू, स्केयर यूनिट्स नाल लिख देना थोड़ा क्वेश्चन फिनिश। सो ये थोड़ा जहा क्वेश्चन ऐसा है जिहड़ा तुहानूं कुछ बई सोचण ते मजबूर करूगा, हाँ बई ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती हैगी है तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने ये देख लेना हैगा, तो अपना क्वेश्चन हो गया जी। सो अगे चलिए जी आपां, तो अगले क्वेश्चन की गल करिए आपां तुहाडे कोल, देखो अगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कुछ खास गल नहीं है, बट एक टर्म आ गई जिस टर्म का मैं मीनिंग पता होना चाहिए है, तो मैं कह रहा कहें यह पॉइंट कनसाइकलिक ने, ठीक है जी। तो तुम छोटे होंगे कनसाइकलिक की डेफिनेशन पढ़ी होगी, लाई ऑन द सेम सर्कल, तो इस तरह के क्वेश्चन करने लिए अपने की करना है, सो उन्हें कनसाइकलिक किया मतलब होंगे लाई ऑन सेम सर्कल, सो लाई ऑन सेम सर्कल है, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन करने लिए अपने की करना है, थोड़े को अपने कुछ नहीं करना है, थोड़े पास रूल की है, बस तुम रूल पर फोकस करना, क्वेश्चन तुम खुद भी कर लोगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू एनी 3 पॉइंट्स, तुसी 3 पॉइंटा तो सर्कल निकालना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें हिंट भी दे देना दोबारा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू एनी 3 पॉइंट्स, सो एनी 3 पॉइंट जो सर्कल कर लो, इफ द फोर्थ पॉइंट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन दैन पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। तो मतलब थोड़े को फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू एनी 3 पॉइंट्स, इफ द फोर्थ पॉइंट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन दैन पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, सो पॉइंट्स कनसाइकलिक होणगे। हुण अगर आप देखिए कि 3 पॉइंट जो इक्वेशन कढ़नी वह तो कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आप सर्कल मानने एफ स्केयर, ठीक है 2GX प्लस 2FY प्लस सी इजिकल टू 0, असी यह सर्कल मान लिया जी, जो ये सर्कल मान लिया तो पहला पॉइंट इतने लाई करेगा, सो 81 आ जाएगा, इतने 1 आ जाएगा, इतने थोड़े को 9 दुनी 18 जी आ जाएगा, दूजा 2F आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, सो पहला आ गया जी। दूसरा पॉइंट जोड़ा हैगा थोड़े को सिंपलीफाई कर लिए तो 18G आ जूगा प्लस 2F आ जूगा प्लस सी प्लस 82 इजिकल टू 0 आ जूगा, सो ठीक हो गया जी। पहली इक्वेशन आ गई, दूजी इक्वेशन से दूजा पॉइंट लै लो जी, सो ये पहली इक्वेशन थोड़ी तैयार होगी थोड़े को, ठीक है इक्वेशन नंबर 1 तैयार होगी। सो अगर अपने अगली इक्वेशन लेनी है वो अपन क्या करना पड़ेगा, वो नैक्सट पॉइंट लै लो, नैक्सट पॉइंट की है 7 का स्केयर कि बन गया 49, वो तो बाद 9 का स्केयर की बन गया 81, ठीक है जी 7 का स्केयर 81 उरे पहला 7 आना तो 7 दूनी 14G आ जूगा, ठीक है जी, वो तो बाद 9 दूनी 18
ठीक है जी, 18 एफ आ जाऊगा प्लस सी इज इकल टू जीरो। हूँ 81 तो 49 जोड़ दिए, तो 80 तो 50 जोड़ दो जी, 8 5 13 130 आ जाऊगा प्लस 14 जी आ जाऊगा प्लस 18 एफ आ जाऊगा प्लस सी आ जाऊगा। सो ये इक्वेशन नंबर साड़ी 2 तैयार होगी जी, इक्वेशन नंबर 1 भी तैयार होगी, इक्वेशन नंबर 2 भी तैयार होगी। हूँ इक्वेशन नंबर 3 भी हैगी है, 3 विच की करांगे आपां, वो 2 पर माइनस 2 भरांगे तो इत्थे 4 आ जाएगा, 12 भरांगे 144 आ जाएगा, माइनस 4 जी आ जाएगा, तो एफ 12 दूना इत्थे 12 भरना ना 12 दूना 24 24 जी एफ आ जाएगा। ठीक है जी, तो प्लस सी आ जाएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये 148 माइनस 4 जी प्लस 24 एफ प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ये वाली चीज़ा आ गई, हूँ एक 18 जी है, एक तुसी सिर्फ ये देखो कितने तुसी एफ टैली करा सकते हो, तुहाडे कोल कितने तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो करवा सकते हो। सब तो सौखा तरीका की होंदा, एक नू 1 कह लिया, एक नू 2 कह लिया तुहाडे पास, ठीक है, तो एक नू 3 कह लिया। हूँ देखो तुहाडे कोल अगर इहदा इहदा डिफरेंस लै लां, एक इक्वेशन फ्री फ्रॉम सी मिल जूगी जे नू मैं 3 कह लां। सो देखो तुसी कोई भी तरीका सॉल्व करन दा ला सकते हो, तुसी बिल्कुल फ्री कुछ भी तुसी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल है नहीं कि। बट एक एक ना होंदा भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होंदा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर का मतलब है भी जे मैं लाऊंगा तो मैं बहुते किसी खतरे च नहीं पैंदा हैगा। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिहड़ा हैगा वो यही है भाई, पहले चो दूजी सबट्रैक्ट कर लो सी कट गया, दूजे चो तीजी कर लो सबट्रैक्ट सी कट गया, दोनों जिहड़ियां चीज़ां है वह फ्री फ्रॉम तुहाड़े कोल जिहड़ा हैगा आ जाणगियां। मैं माड़ा जिहा करके तुहानूं दस दिंदा वा, क्योंकि मैं सेंटर लाई आउण वाला क्वेश्चन तो किया सीगा, ये वाला क्वेश्चन शायद आपां मतलब 3 पॉइंट वाला पहला लै रहे हैं आपां अपने लैक्चर दे विच। सो कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे कोल, सो आपां देखिए जी। सो मेरे को आ गया जी, सो मैं आ वाली चीज़ पकड़ ली। तो देखो मैं पहली इक्वेशन लिख ली, मैं पहले बिचों ना दूजा सबट्रैक्ट करन लग्या वा। सो कैलकुलेशन देख लेना, पहला 18 जी, क्योंकि कोई गुणा गुणा करन दी लोड़ नहीं, सी खुद ही जाण नू तैयार है, तो फिर आपां नू की जरूरत है। पहला जिहड़ा लिख लिया आपां तुहाडे कोल 18 जी 2 एफ प्लस सी प्लस 82, ठीक है जी, 81 ते 82, ठीक है। तो दूजा इहदे नीचे 18 ते नीचे 14 जी करता, उत्थे 18 एफ हो गया, ठीक है जी, इत्थे 130 आ गया ते इत्थे प्लस सी आ गया इज इक्वल टू 0, ते सबट्रैक्शन करती। जदों सबट्रैक्शन करती इत्थे च, तुसी किसे नू किसे चो कर सकदे हो, ये कोई रट्टे लाने वाली चीज़ नहीं है। तो 18 चो 14 गए तो 4 आ गया, ठीक है जी, इत्थे 16 एफ आ गया, ये कैंसल होगी, ये माइनस माइनस प्लस होगी, ठीक है जी। 130 दे विच ये 82 है जी, ठीक है जी, 212 आ जाऊगा जी प्लस का, ठीक हो गया। देखो 18 2 एफ प्लस 18 2 एफ प्लस सी, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं रुकते होंगे, जे बेध्यानी हो जाए चाहे मैं हाँ चाहे तुसी हो फिर हो जाता भी माड़ा जहा ध्यान हट गया। सो 14 जी 18 एफ 18 एफ माइनस सी माइनस सी कॉन्सटेंट 130, जो निशान बदलोंगे और ना कॉन्सटेंट प्लस का ही सी, सो प्लस ही रह जाना जी, ये मतलब साइन तो चेंज, आप सबट्रैक्शन कर रहे हैं ना, फिर मैं गलती करती, ये सीगा ही है प्लस का 130, हाँ जी फिर माइनस होगा, ठीक है जी। सो ए वाली चीज़ आ गई जी, साइन चेंज किया क्योंकि सबट्रैक्शन कर रहे हैं, ए साइन चेंज किया 16 आ गया, सी कट गया, तो 130 चों तुहाडे पास जिहड़ा हैगा 82 कटना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो 130 चों 82 कटना है, सो 10 विचों 2 गए 8 रह जूगा 48 आ जूगा, ठीक है। सो ये मेरा गलत लिखा गया जी तुहाडे कोल, तो माइनस 48 आऊगा नाले, ठीक है जी। 4 मैं कट दिना वा कॉमन चो, 4 कटिया गया चौकम चौकी 16 एफ हो गया, तो उस तो बाद 12 ते 36 12 चो 48। सो मेरी आ बिल्कुल फ्री फ्रॉम सी एक इक्वेशन तैयार होगी तुहाडे को, ठीक है जी। इस तरह मैं ना 2 दे विचों 3 सबट्रैक्ट कर दिना वा, सो 2 वाली मैं उपर लिख लैंदा वा तुहाडे कोल, जिहड़ा हैगा 14 जी प्लस 18 एफ, ठीक है जी, प्लस सी प्लस 130 इज इक्वल टू 0। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਐਡਜਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4 ਜੀ 24 ਐਫ ਪਲੱਸ ਸੀ ਪਲੱਸ 148। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 4 ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ,
24 एफ आ रहा जी, प्लस सी आ रहा जी 48, 148 आ रहा जी। सो लिखी गई जी, जो लिखी गई तो अगेन ये सबट्रैक्शन करनी है कि है, तो सबट्रैक्शन करांगे 18 जी आ जाएगा, ठीक है जी, 6 आ जाएगा, एफ सी कटिया जाएगा, परपस यही सी 48 18 आ जाएगा, तो ठीक है माइनस 18। सो जे 6 ना डिवाइड कर दिए, 6 ती 18, 6 कम 6 6 ती 18, सो ये दूसरी इक्वेशन आ गई तुहाडे कोल। हुण जे दूजी इक्वेशन आ गई, हुण आपां बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन ते पहुँच गए हाँ भी जी, तो सानू बिल्कुल जिन्हों कहिंदे एविडेंट ही है भी दिख ही रहा भी आंसर की आऊगा, क्योंकि इत्थे मैं लिखिया माइनस 4 एफ प्लस जी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूजी इक्वेशन जिहड़ी है वह माइनस एफ उत्थे 3G, ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हुण इहदा 4 बनाउण लई 4 नाल गुणा कर दिए, सो माइनस 4 एफ प्लस जी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उहनू 4 नाल गुणा कर दो, 4 एफ उरे 12 जी, ते उरे 4 नाल करोगे तो 12 इज इक्वल टू 0, और सबट्रैक्शन कर दो, एडिशन हाँ सबट्रैक्शन कर दो। तो जदों सबट्रैक्शन की ये कट गया, ठीक है जी, उस तो बाद क्योंकि ये 12 सी नैगेटिव का, जी सी पॉजिटिव का, माइनस 11 जी इज इक्वल टू 0, तो जिहड़ी मेरी जी की वैल्यू आई है, जी की वैल्यू मेरी 0 आ गई। अब जिस दी जी 0 निकली आई उन्हों एफ भी निकल गया समझ लो, तो जी 0 इस पुट करोगे तो आपके पास माइनस 4 एफ बराबर है 12, एफ बराबर है माइनस 3 आ जाऊगा, ठीक है जी। सो एफ की वैल्यू भी निकल गई, जे एफ भी निकल गई तो जी तुसी सी भी निकाल लेनी है। सी कि निकलेगी जी थोड़े तो पास, तुसी हुण तुहानू मैं ही होमवर्क दे दिना वा तुहाडे कोल, तुसी कंप्लीट कर लेना। सो सी की वैल्यू फाइन कर देना, फिर सर्कल निकल जूगा, सर्कल ते पुट फोर्थ पॉइंट, तो तुसी चौथा पॉइंट पुट कर देना, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन ही इदा लिखाया, शो दैट साइकलिक, इस करके फोर्थ पॉइंट जिहड़ा सैटिस्फाई करेगा ही और एक अनसाइकलिक हो जाएंगे। सो ये क्वेश्चन साडा हो गया जी। कैलकुलेशन मैं सारिया आलमोस्ट कर दी, मैं सिर्फ एक सी की वैल्यू नहीं तो कढ़ के दी, वो भी मैं तुम्हें लिख दिना भी माइनस 76 है, करके देख लो। सो ये क्वेश्चन हो गया जी थोड़ा, जोड़ा हैगा ये थोड़े को। हूँ अगर आप देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सरकमस्क्राइबिंग ट्राइंगल फॉर्मड बाय द लाइनस। हुण अगर इस क्वेश्चन की गल करिए आपां तुहाडे कोल, उहने कहा है तुहाडे कोल भई आपां नूं सरकमस्क्राइबिंग, ठीक है, तो आ सर्कल है, इन्हां ट्राइंगल दीआं साइडां नूं सरकमस्क्राइब करदा। ट्राइंगल किद्दां मर्जी बना लो, सर्कल ऐं भी बन सकदी ऐ भी, इहनां गलती कड्डियो भी सर ते सिद्धी नहीं है, तुहानूं की पता किस साइड ते बनी हुई है ट्राइंगल, तुहानूं ना ओरिएंटेशन पता, सो जिस तरह भी नज़र आ रही है देन ओके। तो किसी भी साइड का ना कोई भी रख लिए, इनू 1 कह लिए तो इनू मैं 1 कह लैंना, इनू तुसी 2 कह दोगे, इनू तुसी 2 कहता तो इनू तुसी 3 कह दोगे, इनू तुसी 3 कह दिता, ठीक है जी, 1, 2 ते 3, ठीक है जी। तो इहदा मतलब की हैगा, इहदा मतलब सिर्फ ये होया जी, मैनूं सिर्फ क्वेश्चन नूं सॉल्व करन लई हिंट चाहीदा है कि पहला मैं करूँगा फाइंड पॉइंट्स ए बी सी, और जे तुसी स्ट्रेट लाइन पढ़िया होवे तो ए बी सी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ए बी सी नूं करन लई आपां क्या करदे हां, तुहाडे कोल आपां उप कोरसपोंडिंग साइड्स सॉल्व करदे हां तुहाडे कोल। अगर वो कोरसपोंडिंग साइड सॉल्व कर ली आ तो मैनूं पॉइंट मिल गए, जे पॉइंट मिल गए तो 3-पॉइंट फॉर्म मेरी बन जानी है। तो कोरसपोंडिंग साइड्स आपां जे सॉल्व करिए, पहली हैगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो दूजी हैगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो सबट्रैक्शन करती आठ चीज़ कट्टी गई, माइनस एक्स बराबर है 6, 6 + 2, सो एक्स की वैल्यू माइनस 2, माइनस 2 अगर एक्स की वैल्यू पुट कर दिए इत्थे ही तो वाई की वैल्यू 8 आ जूगी। सो जिहड़ी पहली सिचुएशन आ गई तुहाडे पास वह माइनस 2 दे नाल 8 आ गई, ये पहला पॉइंट आ गया। लाइन कड़ी लई सी पहली ते दूजी, पहली तुसी आ लई है, दूजी तुसी आ लई है, मतलब पहली दूजी का कट पॉइंट ए है, ये जरूर ख्याल रखना है। रफ डायग्राम है पर जमा ही साफ किताब रफ ना हो जाए कि तुसी सॉल्व कोई होर करो लिखो कितने और ना लिखो फिर जे नहीं समझ आता। पहली तीजी सॉल्व करे तो बी मिलना, दूजी तीजी सॉल्व करे तो सी मिलना। हुण आपां दूजी लिख ली, सो दूजी लिख ली तुहाडे पास ते तीजी लिख ली, ठीक है जी। सो इनू आपां 2 नाल गुणा कर लैंदे आ, ठीक है, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, सबट्रैक्शन करोगे माइनस 3y माइनस 6, तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 इत्थे पुट करोगे तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक, सो x इज इक्वल टू 1,
सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ए वाली चीज़ आ गई। ठीक है, सो अगर इहदा मतलब है कि जे दूजी ते तीजी सॉल्व होई है तां आ दूजी आ तीजी सॉल्व होई है, तो दूजी और तीजी सॉल्व करे तो सी मिलता है। यदा मतलब सी पॉइंट की हो गया 1,2। सो 1,2 तुहाडा जिहड़ा हैगा वह हो गया। हुण रह की गया, हुण तीजी ते पहली लिखी 2y = 5 ते पहली लिखी x + y = 6 सबट्रैक्टिंग कर दिती। सो ये कटिया गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। सो जे -1 आप इत्थे भरदे आ वाई की वैल्यू तो x 7 आ जाता। सो 7, -1 ये थोड़ा बी पॉइंट आ गया 7, -1। ठीक है जी, हुण जदों तुहानूं इह पता लग गया भी जिहड़ा हैगा मेरे तिन्ने पॉइंट, हुण तुहानूं क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्शन इहदी समझ आ गई भी मेरा क्वेश्चन किस तरफ जा रहा हैगा। हुण जे मैं सर्कल निकालना इन्हां तिन्नां चों निकालना आ भी पता भी, तो सर्कल की इक्वेशन की लूँगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इक्वेशन लूँगा। तो मैं पहला पॉइंट उत्ते पुट करूँगा -2,8। तो पहला पॉइंट इत्थे पुट किया तो 2 का स्केयर आ गया 4, 8 का हो गया 64, फिर -2 सीगा तो तुहाडे कोल इत्थे 4g आ गया, तो उस तो बाद 8 सीगा तो इत्थे 16f आ गया, इत्थे +c = 0 पहली इक्वेशन तैयार होगी। अगर पहली इक्वेशन तैयार होगी दूजी पॉइंट किहड़ा पुट करना है, दूजी विच पॉइंट पुट करना हैगा है 1,2। सो आ वाला पॉइंट x की जगह ते 1, y की जगह ते 2, 4, x की जगह ते 1, y की जगह ते 4। ठीक है, 4 × 8f हो गया +c = 0 ये मेरी दूजी इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन 7, 1 तो इतने 7 भरोंगे तो 49 आ जाएगा है ना, 1 भरोंगे तो 1 ही रहेगा, 7 भरोंगे तो 14x आ जाएगा। ठीक है जी, -1 भरोंगे तुहाडे कोल तो -1 भरोंगे तो 2f आ जाएगा +c = 0। सो ये तीन इक्वेशनस तुहाडियां तैयार हो गई जी। इन तिना इक्वेशनस नूं तुसी प्रॉपरली चैक करके वैल्यू, वैसे मैं ठीक ही कीती है, चैक करन तो बाद तुसी जिहड़ा हैगा देखना हैगा तुहाडे पास बई तुसी एफ जी तुसी करना की है, तुसी सिर्फ ऐ करना फाइंड, एक एफ कढ़ना, एक जी कढ़ना, एक सी, तो तुहाडा सर्कल बन जाएगा। और मैं तुहानूं इक्वेशन लिख के दिना वा एंड च आंसर वाली तां जो तुसी मैच कर लो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूरा समझा जाना। तो x² बनेगा, y² बनेगा, -17x बनेगा, -19y बनेगा तुहाडे कोल, ठीक है, +50 = 0। सो ए वाली इक्वेशन तुहाडी तैयार होगी जी। सो ये तुसीं कर लेना, बाकी जिहड़े बच के सर्कल दा इक अद्धा कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो वह जिहड़ा हैगा आपां अस नैक्सट लैक्चर दे विच आपां उहनूं करके कंक्लूडिंग लैक्चर लास्ट लैक्चर होगा। थैंक यू।